जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में, जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ट्रेंड डाउन चल रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बालाजी माइंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि एक पहले कंसोलिडेट फेज था, इसमें कंसोलिडेट फेज के बाद में इसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में एक पुल बैक। आप देख सकते हो कि इसमें एक अच्छी रैली आई, अच्छी रैली आने के बाद में एक डाउन ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चल रहे हैं। अभी तक अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। कोई भी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया जा सकता, लेकिन डाउन ट्रेंड में कौन से मेजर सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एक डाउन ट्रेंड की क्या सिग्नल होता है, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, अप ट्रेंड का सिग्नल होता है कि इस तरह से अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। इसमें एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, बॉटम लिया तो ऊपर वाला हायर बॉटम, इस तरह से आप अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डाउन ट्रेंड का क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, जिसमें कि डाउन ट्रेंड में लोअर पैटर्न दिखाई देते हैं। एक तीसरा होता है कंसोलिडेट फेज, जिसमें कि कंसोलिडेट फेज के अंदर कोई भी रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है, उसमें न तो एक अच्छी रैली आ सकती है, कंसोलिडेट होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन टाइप का बन जाता है, उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अब इसकी बात कीजिए तो देखिए, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक लेवल है जहाँ पहले एक सपोर्ट था, ये अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस की बात की जाए तो ये लेवल हो सकता है 2700 के लगभग है, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। और ब्रेकआउट का भी नियम होता है कि ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। ये एक अप ट्रेंड का, यहाँ से अप ट्रेंड होने की सिग्नल मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से दो तीन बार चार बार टेस्ट किया। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वही लेवल है जहां पर अपन देख सकते हैं कि यहां पर कोई बाइंग टीआरसीपी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडलस्टिक या डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। अगर ये कंफर्मेशन बन जाती है तो यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, जो बहुत ही अच्छी लेवल, एक रिस्क रिवार्ड रेशियो यहां पर बहुत शानदार हो सकता है। देखिए, पहले एक रेजिस्टेंस था, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले एक रेजिस्टेंस था, एग्जैक्ट उसी का एक सपोर्ट लिया, दो तीन चार तीन चार बार इसका सपोर्ट लिया, तो यहां से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अपने को यहाँ से देखिए, इसके ऊपर जो पहले सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, एग्जैक्ट इसको ब्रेकआउट करेगा, 2700 को ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देगा, तभी अच्छा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी इस लेवल के बाद में आपको दिखाई देगी, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में दिखाई देगी। एक ट्रेड लाइन भी है, बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कहाँ सपोर्ट ले रहा है। इससे पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट और बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, किस तरह से बिजनेस मॉडल है। बालाजी माइंस की बात की जाए तो इसके प्रोडक्ट की बात के इसमें अलग अलग तरह के केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक तो देख सकते हो एमाइन है, डेरिवेटिव स्पेशल केमिकल और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें अमाइन में मेथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, डेरिवेटिव स्पेशल केमिकल, फार्मा से रिलेटेड जो फार्मा में दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें केमिकल यूज में किए जाते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और बाद में होता है फार्मा के लिए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड होता है जो कीटनाशक जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाई की जाती है उसका, तो इस तरह का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एलिफैटिक एमाइंस जो होता है, अमोनिया से बनता है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखिए इसका मार्केट कैप है 69,037 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 2141 है, हाई गया इसका 2736 है, लो गया इसका 1873 है। स्टॉक भी है 37 है, आरओसी इसका 36 है और इसकी फेस वैल्यू 2 है और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ही डिविडेंड भी पे करती है। अब बात करते हैं देखिए क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखेंगे। सेल की बात की जाए तो सेल एक्सपेंड जून सितंबर दिसंबर तीन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। जून का है 464 है, बाद में 381 है, 381 है, बाद 383 है, तो इसका थोड़ा बहुत 3 करोड़ का ही बढ़ा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 366 है, 327 है, 309 है, ये इसका एक्सपेंडिचर इस तरह से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, अपन नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 68 है, बाद में 36 है, बाद में 58 56 हो गया,
तो इसमें देख सकते हो कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बढ़ के आया है, अदर इनकम का सोर्स है वो भी 7 से 8 करोड़ हो गया है। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ के आने के बावजूद भी इसमें गिरावट आ रही है। और बाद में बैलेंस शीट देखते हैं, इक्विटी कैपिटल में 6 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में खजाने में पैसे 1602 है, और बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग है इसमें कर्जा इसके पास में 44 करोड़ का है, कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार है, बैलेंस शीट अच्छी है इसकी। बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 53% के प्रमोटर के पास में FIs की 4% है, DIs की 4% है, पब्लिक इसमें 14% के लगभग होल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है। FIs और DIs की होल्डिंग इसमें कम है, इसीलिए आप देख सकते हो ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है इसमें। FIs की होल्डिंग ने थोड़ी बहुत इसमें बढ़ाया, DIs ने भी अभी प्रेजेंट टाइम में दिसंबर के क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ी बहुत बढ़ाया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 1,41,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट पे। बालाजी माइंस की बात की जाए तो देखिए इसमें एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, उस ट्रेड लाइन एक तो हमारा ये हमने डिस्कस किया, एक तो ये यहाँ पर होगा। अब देखिए ट्रेड लाइन एक ड्रॉ किया था, ट्रेड लाइन का भी ये एक बार ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये देख सकते हो। इसको एक तो यहाँ पर चीज़ क्या होगी, एक तो यहाँ पर पहले सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, दूसरी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। अब इसकी अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख एक मेजर सपोर्ट ये लेवल है, तो एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस ट्रेंगल पैटर्न के जब तक अंदर रहेगा आपको इसमें ज़्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, जब इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न आएगा और बाइंग TRC भी देता है, तब इसमें अच्छी एक मूवमेंट अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। बाद में अपन देख लेते हैं कि ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट हम डिस्कस करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए एक अच्छा टूल है जहाँ से अपन सपोर्ट से एक लेते हैं और एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेते हैं। तो सपोर्ट पे देखिए 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट हमारा जो लेवल था सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है, उसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर सकते हो, एक जोन बना सकते हो या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज में कर सकते हो। तो इस वीडियो को अगर इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो फंडामेंटल इसके ठीक है, फंडामेंटल में ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो वो ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन इसमें आप देखोगे टेक्निकल चार्ट है वो मेजर सपोर्ट के पास में, मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। मेन चीज़ जो मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट आए उस पर डिपेंड करेगा कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा तो इस ट्रेंगल पैटर्न को आपको ब्रेकआउट करने को पॉसिबिलिटी बन सकती है, और बाद में एक बार इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न बाइंग TRCP, इसके बाद में एक ये रेजिस्टेंस रहेगा लेवल 3600 के लगभग, 3600 के लगभग एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तभी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब आपको इसको पहला रेजिस्टेंस ये दूसरा आपको रेजिस्टेंस ये 36 एक बार रेजिस्टेंस रुकेगा, ध्यान दीजिए रेजिस्ट मूवमेंट यहीं से आ जाएगा लेकिन एक बार रुकने की पॉसिबिलिटी बनेगा, फिर बाद में 4800 आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से इसका वीडियो का कंक्लूजन है। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।